एक जंगल में भानवी नाम की एक शेरनी अपने एक नन्हे से बच्चे को जन्म देती है। वह बिल्कुल अद्भुत सफेद रंग का था। शेरनी भानवी अपने बच्चे को देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, भगवान ने मुझे कितना प्यारा बेटा दिया है। यह तो बिल्कुल अनोखा सफेद शेर है, भगवान इसे किसी की नजर ना लगाए। भानवी अपने बेटे का नाम शेरू रखती है और उसका अच्छे से ख्याल रखती है। एक बार जब शेरनी भोजन कर रही थी तो एक दुष्ट बाघ ने शेरनी पर हमला करके उसे जान से मार डाला। शेरू गुफा में खड़ा ये सब देखकर बहुत डर जाता है और वह बाघ शेरनी का शिकार करके वहां से चला जाता है। वहीं इसी जंगल में एक गाय ने अपने छोटे से बछड़े को जन्म दिया। अपने बछड़े को जन्म देने के बाद गाय को जोरों की भूख लगती है तो वो ताजी ताजी घास चरने के लिए निकल पड़ती है। गाय के चले जाने के बाद वो दुष्ट बाघ उसके बच्चे को मार डालता है और उसे खा जाता है। कुछ देर बाद गाय लौटती है तो देखती है कि उस बाघ ने उसके बच्चे को मार डाला। ये सब देख गाय बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। मैंने इस दुष्ट बाघ का क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे मासूम बच्चे को मार डाला। अगर मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो मेरा भी जीने का कोई हक नहीं है। तब गाय पहाड़ी से कूदकर मरने के लिए चली जा रही थी, तभी रास्ते में उसे शेरू खड़ा दिखाई देता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। उसको इतना रोता देख गाय उससे बोलती है, अरे बेटा शेरू, तुम इतना क्यों रो रहे हो? आखिर क्या बात है बेटा? गाय, एक दुष्ट बाघ ने मेरी माँ को मार डाला। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अब मैं किसके साथ रहूंगा? शेरू को ऐसे रोता देख गाय का दिल प्यार से भर आता है। मतलब बेटा, उस बाघ ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला? कोई बात नहीं बेटा, आज से मैं एक माँ की तरह ही तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आज से तुम मेरे बेटे हो। तब से गाय ही शेरू को अपना बेटा मानकर पालती है और शेरू भी गाय को ही अपनी माँ मानने लगा था। गाय शेरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे समय पर भोजन कराती है। अब इसी तरह वक्त बीत जाता है और शेरू अब एक बहादुर और एक शक्तिशाली शेर बन गया था। अब उसने ठान ली थी कि वो अब उस दुष्ट बाघ से अपनी माँ की मौत का बदला लेकर रहेगा। तब शेरू उस बाघ के जंगल की ओर निकल पड़ता है और उसके जंगल में पहुंचकर एक भैंस से पूछता है, अरे सुनो भैंस, यहाँ जो बाघ रहता है उसकी गुफा कहाँ पर है? उस बाघ की गुफा यही नदी के पास में ही है। अब तो शेर वो बाघ बहुत उदास रहने लगा है क्योंकि उसकी पत्नी बाघिन अपने बेटे को जन्म देते ही मर गई थी। यह सुनकर शेरू का गुस्सा ढीला पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो उसकी गुफा पर पहुंचता है। उस समय बाघ गुफा पर नहीं था और कुछ चीता उसके बेटे को मारने के लिए तैयार खड़े थे। तभी शेरू जाकर जोरों की दहाड़ मारता है तो वो सभी चीता डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। तब बाघ का बेटा चैन की सांस लेता है। तभी वहां पर बाघ भी पहुंच जाता है और शेरू को देखकर बाघ उससे बोलता है, रुक जाओ शेर, तुम मेरे बेटे के करीब भी मत जाना। मैं यहां तुम्हारे बेटे को नहीं, तुम्हें मारने आया था। अब से कुछ साल पहले तुमने मेरी बेकसूर माँ को मार डाला था। मैं यहाँ तुमसे अपनी माँ का बदला लेने आया था, लेकिन अगर मैंने तुम्हें मार डाला तो मेरी तरह तुम्हारा ये बेटा भी अनाथ हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम जैसा जालिम नहीं हूँ। तब बाघ को शेरू की बातें सुनकर बड़ा अफसोस होता है। तब बाघ शेरू से बोलता है, मुझे माफ करना शेर, मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला, लेकिन मैं अब बिल्कुल बदल गया हूँ। मैं अब कभी किसी पर जुल्म नहीं करता।
अगर तुम एक अच्छे बाघ बन गए हो तो हर अच्छी आदत वाला जानवर मेरा दोस्त होता है। आज से तुम भी मेरे दोस्त हो बाघ। तब दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह के समय कुछ जानवर जंगल में टहलने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें गाय और एक गधा मरा पड़ा दिखाई देता है। उन्हें किसी ने बुरी तरह से मारा हुआ था। सभी जानवर उनको देखकर बहुत डर गए थे कि तभी वहीं पर जंगल के राजा बंटी बाघ वहीं पहुंचते हैं। गाय और गधे को मरा हुआ देख बाघ बोला, अरे ये सब किसने किया? इनको इतनी बेरहमी से किसने मारा? किसने किया ये सब, बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, ये सब किसने किया? हम तो जंगल में टहलने के लिए जा रहे थे, तब हमने ये सब देखा। इसी तरह अगले दिन एक मादा भालू भागती हुई बाघ के पास आती है और बोलती है, महाराज महाराज, पता नहीं किस जालिम ने मेरे बच्चे को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तब बंटी बाघ मादा भालू के घर जाकर देखता है तो किसी ने उसके बच्चे को भी उसी बुरी तरह से मारा हुआ था जैसे गधे और गाय को। बाघ को भी अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब कुछ देर बाद सभी जानवर एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसी बारे में बात करते हैं। अरे भाइयों, ये सब हो क्या रहा है? रोज रात को न जाने कौन जानवरों को मार डालता है। हाँ बहन, पता नहीं ये सब करता कौन है, और महाराज बाघ को भी अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। भाइयों, आज रात हमें छिपकर देखना चाहिए कि ये सब करता कौन है। हाँ गोरिल्ला, तुम बिल्कुल सही कहते हो, आज रात हम सब छिपकर ये देखेंगे। तब सभी जानवरों ने ऐसा ही किया। आज रात कोई जानवर नहीं सोया। आज सभी जानवरों ने ठान ली थी कि आज उसे पकड़ कर ही रहेंगे जो भी ये सब कर रहा है। कुछ देर बाद गाय, भालू और गोरिल्ला देखते हैं कि महाराज बंटी एक जॉम्बी सफेद शेर में बदल गए। यह सब देख जानवरों के तो पसीने छूट जाते हैं और वो सब डर के मारे जाकर छिप जाते हैं। सुबह होने पर बाघ अपने असली रूप में आ जाता है और रात जो उसके साथ हुआ उसे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन एक बाघ कैसे बदल गया एक जॉम्बी शेर में, ये सब जानने के लिए हम आपको कुछ पीछे ले चलते हैं। जंगल का राजा बंटी बाघ अपनी पत्नी बाघिन के साथ बहुत खुशी से रहता था और अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। इसी जंगल में एक सफेद शेर भी रहता था। वह इस जंगल का राजा बनकर इस जंगल पर राज करना चाहता था। एक बार बाघिन बंटी बाघ से कहती है, सुनो बंटी महाराज, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मैं अभी पानी पीकर आती हूँ। हाँ ठीक है बाघिन, जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। उनको बातें करते सफेद शेर सुन रहा था। अरे वाह, ये अच्छा मौका है, आज मैं इस बाघिन को मार डालता हूँ, उसके बाद इस बाघ की बारी है। तब सफेद शेर बाघिन का पीछा करता है और जब बाघिन पानी पी रही थी तो सफेद शेर पीछे से जाकर बाघिन पर हमला कर देता है और उसे जान से मारकर वहां से भागने लगता है। लेकिन कुछ दूर चलकर पहाड़ी से शेर का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उधर बाघ बाघिन के ना आने से बड़ा परेशान था, तब वो बाघिन को देखने के लिए निकल पड़ता है। नदी पर पहुंचकर वो देखता है कि बाघिन मरी हुई पड़ी थी। यह सब देखकर बंटी बाघ बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन तभी उसे वहीं पर खड़ी एक शेरनी दिखाई देती है जो कि पानी ही पीने आई थी। उसको देखकर बाघ बोलता है, जरूर बाघिन को उसी शेरनी ने मारा होगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब बाघ जाकर उस शेरनी पर हमला कर देता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है।
तुम दुष्ट बाघ का मैंने क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे मार डाला। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम काली रात में भयंकर रूप लोगे और हमेशा दुखी रहोगे। उनकी यह बातें दूर खड़ी एक लोमड़ी शुरू से आखिर तक सब देख रही थी, लेकिन डर के मारे वो बाघ को कुछ नहीं बताती और वहां से भाग जाती है। तो इस तरह से उस शेरनी के श्राप से बाघ रात में एक सफेद जॉम्बी शेर का रूप लेकर जानवरों का शिकार करता है। वहीं जानवर बाघ को एक सफेद जॉम्बी शेर में बदलता देख बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। अरे भाइयों, ये क्या हो रहा है? हमारे महाराज बंटी बाघ कैसे जॉम्बी शेर में बदल जाते हैं? हमें ये बात आसपास के जंगलों में बतानी चाहिए ताकि कोई हमें इसका सुझाव दे सके। तब वो आसपास के जंगलों में ये खबर फैला देते हैं। यह सब उसी लोमड़ी को भी पता चलता है, तो वो उसी दिन बंटी बाग के जंगल में पहुंचती हैं और वहां के सभी जानवरों को पीछे बीती हुई सारी घटना के बारे में सब कुछ बताती हैं। उसकी बातें सुनकर गाय कहती है, अच्छा तो जरूर ये उस शेरनी का ही श्राप होगा जो महाराज बंटी को उसका श्राप लग गया। अब हमें किसी पंडित के पास जाना होगा और इस बारे में सब बताना होगा। तब वो एक पंडित को पूरी बात बताते हैं। तो पंडित उस रात बाघ की निगरानी करता है और जब बाघ सफेद जॉम्बी शेर के रूप में बदलता है तो पंडित अपनी शक्तियों और मंत्र से बाघ के शरीर से सफेद शेर की आत्मा को निकाल देता है और अब बाघ बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर से सभी जानवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।